हाँ तो दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में मैं दिल से स्वागत करता हूँ। मैं हम काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों एक और नए वीडियो के ऊपर आ चुके, नए स्टॉक के ऊपर आ चुके, जिसका नाम है दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखो दोस्तों, गवर्नमेंट सेक्टर का स्टॉक है ये बात मैं बोल दूँ, और बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है ये बात मैं आपको पहले बोल दूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले। और अगर स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर नहीं किया है तो आप वीडियो दोस्तों स्किप करके दूसरा वीडियो देख सकते हो। मैं आपको नहीं कहूँगा दोस्तों कि वीडियो आप देखो जरूरी। देखो दोस्तों, 61.14 रुपीज़ के आसपास की प्राइस चल रही है मार्केट में इसकी करंट प्राइस। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे पिछले लास्ट ट्रेडिंग सेशन 0.41% के आसपास की गिरावट को देखने मिली माइनस में। अब गिरावट क्यों हुई? देखो दोस्तों, एक तो रीज़न ये है कि बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक सारे डाउन है, ये बात तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर निकल के आ रही है कि कुछ ऐसे स्टॉक जो अंडर 100 रुपये के आसपास की प्राइस पर चल रहे हैं, वो स्टॉक सारे डाउन गए शुक्रवार को। तो दोस्तों, अब मंडे को होगा क्या, कल सोमवार, याद रखना आप। देखो दोस्तों, या तो उस पार या इस पार, अगर दोस्तों उछाल देखने को मिलता है मार्केट में, मार्केट अगर नया रिकॉर्ड बनाता है ना, दोस्तों आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में 63 रुपीज़ की प्राइस आपको इजीली 1-2 रुपये के आसपास का उछाल इजीली देखने को मिलने वाला है कल सोमवार को। अगर मार्केट डाउन जाएगा, मार्केट में अगर स्टॉक डाउन जाता है ना, तो फिर दोस्तों आपको फिर से माइनस में 59 रुपीज़ तक की स्टॉक की प्राइस आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन स्टॉप लॉस आपको लगाना दोस्तों, अगर माइनस में ही आप अगर अभी लॉस में हो ना, तो 55 तक का भी स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो यहाँ पे। तो अगर दोस्तों 55 के आसपास स्टॉक आता है ना, तो फिर दोस्तों संभावना है कि 40 रुपये तक की प्राइस भी स्टॉक आपको दे सकता है आने वाले टाइम के लिए।